अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपना टॉपिक कवर कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 10th क्लास का ये आप लोगों का टॉपिक है 1.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स आप लोगों को पहले बताए थे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमने देखा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसमें आप लोगों ने देखा था कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमने पहले आइडेंटिफाई करना है। ये मैं आपको ब्रीफली को इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने। दूसरा था स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, फिर हमने उसके बारे में रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि यूज़र को क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था कि एनालाइज प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को हमने एनालाइज कैसे करना है, उसका तजिया कैसे करना है। फोर्थ वन था डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। फिर हमने देखा था कि हम फ्लो चार्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले सैम्पल्स कैसे होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम यही हमारी लैंग्वेज होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। आज हम जो नया अपना पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है राइटिंग द प्रोग्राम। राइटिंग द प्रोग्राम इसको कहते हैं, कोडिंग भी कहते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है राइटिंग द प्रोग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग। मतलब ये है कि अब इस अमल को हमने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी, उसके बाद एनालाइज किया, डिज़ाइन करने के बाद और हम इसका फ्लो चार्ट बनाने के बाद जब हम इसका एल्गोरिथम लिख लेंगे, उस एल्गोरिथम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपनी कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं जी राइटिंग द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, कोडिंग। पूरे का पूरा हम प्रोग्राम लिखेंगे, फिर हम फर्दर उसमें अपने देखेंगे कि इसको कैसे लिखना है, क्या है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं वो हम यूज़ करते हुए इसको लिखते हैं। और इसके बाद मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँगा, इसके बाद हमारे पास है 6 पॉइंट, टेस्ट एंड डीबगिंग। टेस्ट एंड डीबगिंग, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम है, हम जब हम उसको करते हैं तो हम उसको पहले इम्प्लीमेंट करवाने से पहले या फाइनलाइज करने से पहले हम उसको चेक करते हैं, आया कि ये काम हमारे लिए ठीक है, क्या आया कि इसकी आउटपुट है जो हमें रिक्वायर है वो ठीक है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं टेस्ट, कि हम अपना जो प्रोग्राम है, आया कि हमने ये जो प्रोग्राम किया, हमने ये सब कुछ लिखा, क्या ये ठीक है, मैंने कोडिंग लिखी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं उसको चेक नहीं करूँगा, ऐसे इंप्लीमेंट करवा दूँगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, फिर एरर्स होंगे, मुझे फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस चीज़ से बचने के लिए प्रोग्राम को राइट करने के बाद मैं इसको टेस्ट करूंगा और क्या करूंगा, डीबग। अब टेस्ट क्या हो गया कि अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ है, गलती है, तो मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। और डीबगिंग क्या प्रोसेस होता है कि इसमें एरर्स को फाइंड किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है। इसको कहते हैं टेस्ट एंड डीबगिंग। डीबगिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इसके बाद हम देखते हैं जी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। लेकिन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम से पहले अगर हम देखें कि टेस्ट एंड डिबगिंग में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अब एरर आ सकते हैं, उन एरर्स के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नेम हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। अब किस किस्म के जो है एरर आ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जी नंबर वन आ सकता है कि हमने सिंटैक्स गलत लिख दिया है। सिंटैक्स अब क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि आपने इसको इस तरह से लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिखना है कि सम करना है आपने टू नंबर्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल 2+3 करना है, तो ये आप लोगों के पास इसका क्या है, सिंटैक्स है, ठीक है, ये सिंटैक्स है।
अब इस सिंटैक्स को अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो इसको क्या नहीं कर सकते, आप सम नहीं कर सकते, या कोई भी जैसे मैथ के अंदर आप लोगों को रूल्स दे दिए जाते हैं, जैसे बोर्ड मास रूल है, ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के रूल है, इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनको हम फॉलो करके प्रोग्राम को अपना राइट करते हैं। अगर हम उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो उस किस किस्म का एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आ जाता है। सिंटैक्स एरर का मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी मैथमेटिकल्स ऑपरेटर्स हैं वो गलत लगा दें या उनका तरीका चेंज कर दें, उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। इसके बाद आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ऐसे एरर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर एरर अक्कर हो जाए तो हम उसको कहते हैं रन टाइम एरर। कैसे हो सकता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको हमने रन किया, उसकी ड्यूरेशन रन टाइम एरर आ जाए, मतलब जब हम उसको चला रहे हैं उसी वक्त में एरर आ जाए, वो डिवाइड बाय ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो इस किस्म के एरर्स को हम कहते हैं जी रन टाइम एरर। हो सकता है जब हम प्रोग्राम लिखा हो उस वक्त तो ठीक हो, लेकिन जब हम उसको रन करें, हमने प्रोग्राम लिखा, कोई भी प्रोग्राम, हमने इसको जी डिवाइड कर दिया जी ज़ीरो के साथ, राइटिंग में तो ठीक है, उसने डिबग भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, जब ये ज़ीरो से डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी लग जाएगी और जो आपका प्रोसेसर है वो स्टक हो जाएगा, या फिर जो ना आपको रन टाइम एरर को जो ना फेस करना पड़ेगा। थर्ड वन आपके पास है जी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर थोड़े कम्प्लेक्स एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लॉजिकल एरर देखने के पहले आप लोग होते क्या हैं, ऐसे एरर्स, ठीक है, जिनकी हम लॉजिक ही गलत बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने दो नंबर्स का मुझे प्रोडक्ट देना है, आपने दो नंबर्स को ज़ाहिर बात है कि मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन आपकी लॉजिक क्या है, गलत है, आपने या आपको समझा नहीं है या फिर भूल गए हैं या कुछ भी है, आपने प्रोग्राम राइट किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने प्रोडक्ट के बजाय यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। क्या हुआ, प्लस का साइन लगा दिया, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम होगा वो क्या करेगा, इसको देखेगा, टेस्ट एंड डिबग होगा, सब कुछ ठीक होगा, प्रोग्राम को नहीं पता कि हमारी लॉजिक क्या है, ठीक है, इसलिए वो एरर नहीं देगा, वो इसको रन कर देगा, 2+3 करेगा, 5 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेरा आंसर 6 आना चाहिए। तो इस किस्म के जो एरर होते हैं इनको हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स को इसलिए फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करना है। लॉजिकल एरर्स हमें ये प्रोग्राम नहीं फाइंड करके देगा, जो डिबगर है, जो कंपाइलर है, वो हमें फाइंड करके नहीं देगा, वो इसको डिटेक्ट नहीं करता, इसीलिए कि ये क्या है, थोड़ा मुश्किल है और इसको मेंटेन करना मुश्किल है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब सब कुछ हो गया, हमने राइटिंग भी कर ली, टेस्ट कर लिया, डीबग कर लिया, हमने एरर्स देख लिए, सब कुछ हो गया। अगर हमारे पास एरर ज़ीरो हैं, हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में यही आ जाता है कि आपने प्रोग्राम बनाया है, आप उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, इस तरह के उसके कहते हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके ऊपर अमल पैरा होना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, उसके ऊपर काम करना, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंट। जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जारी बात है कि हमने उसको फिर क्या करना है, मेंटेन भी रखना है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास मोबाइल्स में
अपडेट की ऑप्शन आती है मोबाइल्स नहीं तो कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे आप लोगों के पास फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उसमें अपडेट की ऑप्शन आती है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखे हुए होते हैं, मेंटेन रखते हैं कि अगर कोई नया फीचर है उसमें नया फीचर डाल देते हैं, अगर कुछ उसके अंदर अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे वो यूज़र से फीडबैक लेते हैं कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ की कमी है, तो इस चीज़ को वो मेंटेन रखते हैं, अप टू डेट रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मेंटेन और अपडेट करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास मेंटेन एंड अपडेट प्रोग्राम। मेंटेन और अपडेट प्रोग्राम के बारे में मैंने जो ना आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, अब क्या होता है, हमने पूरा प्रोग्राम लिखा। अब कोई भी प्रोग्राम है उसको लिखने के बाद हमने जितने भी यहाँ पर अमल किए हैं हम उसको एक डॉक्यूमेंट शेप में हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, जैसे हमने लिखा कि हमने प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की, आइडेंटिफिकेशन में हम उसकी डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे कि हमने ये प्रोग्राम करना है, तो इसमें हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये यूज़ किए हैं हमने जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में लिखेंगे, फिर हमने जो उसका तज़िया किया था उसके बारे में लिखेंगे, फिर हम उसका वहाँ पर एल्गोरिथम लैंग्वेज में लिखेंगे अपनी, और इसके बाद हम उसका फ्लो चार्ट, ये सब कुछ हम इसमें क्या कर देंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाकर हम क्या कर देंगे, यूज़र को दे देंगे। डॉक्यूमेंट का मकसद क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी चीज़ है परचेज़ करते हैं मार्केट से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ्रिज लिया, कोई लैपटॉप लिया या कोई मोबाइल लिया, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके साथ आप लोगों को एक यूज़र गाइड मिलती है। यूज़र गाइड का मकसद क्या होता है कि आप उसको देखकर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।